मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो सारा काम हो गया, हम नहा भी लिए हैं, तो अब चल रहे हैं नाश्ता करने, चाय पीने। तो अभी मैंने चाय नहीं पिया है, तो चलिए चाय पी लेते हैं, फिर नाश्ता कर लेते हैं। और मैं क्या बनाऊँगी आप लोग से शेयर करूँगी भी। तो यहाँ पर मैंने चाय ले लिया है, तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी चाय पी लीजिए। तो चाय पी लेते हैं और टोस्ट खा लेते हैं। और बच्चे लोग की आज छुट्टी है, तो मैं क्या बनाने जाऊँगी अभी आप लोग से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स चाय पानी हो गया, नाश्ता भी हो गया, तो मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और मैं क्या बना रही हूँ मैं दिखा भी देती हूँ आप लोग को। तो यहाँ पे है सूरन की सब्जी। तो कल की सब्जी इतनी अच्छी बनी थी कि पापा जी फिर लेके आए, बोल दिए कि सूरन की सब्जी फिर से बनाओ, बहुत अच्छी बनी थी। तो फिर से जा रही हूँ ट्राई करने, लेकिन इसी का मैं नाश्ता भी बनाऊँगी। तो मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि इसका नाश्ता मैं कैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे कोमल पराठा बना रही है, तो पापा ने कहा आज इसकी सब्जी और पराठा बना दो। और लाइट चली गई है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, और इसीलिए हम लोग अभी किचन में टिके हुए हैं, नहीं तो गर्मी से सब भागने लगते। चावल हो चुका है, पराठा बन रहा है, सब्जी मैंने काट लिया है, और मसाला मैंने सारा मिक्सर की जार में डाल के रखा था, लाइट ही चली गई। अब सोच रहे हैं इन्वर्टर चालू करके फिर उससे भी मतलब पेस्ट बना लेंगे, और फटाफट सब्जी बना लेते हैं, और उसकी फिर मैं जो नाश्ता बनाऊंगी वो भी मैं आप लोग से शेयर करूंगी। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं, पहले पराठा बन जाएगा सर। तो यहाँ पे मैंने कटोरा ले लिया है, तो इसमें पहले हम बेसन को वो कर लेते हैं, सारी चीज़ें मिला लेते हैं। फिर मुझे करना है कद्दूकस। तो आधे का हम सब्जी बना रहे हैं, आधे सूरन का, और आधे सूरन का हम बनाएंगे पकौड़े। तो अब क्या बनाए, मतलब कल तो बनाए थे, लेकिन पापा को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने कहा नहीं आज पराठा और उसकी सब्ज़ी बना दो जैसे कल बनाई थी एकदम सेम। तो ये सारी चीज़ों को मैं मिक्स करके रख दूँगी, कल जैसे मैंने सेम बनाया था उसी तरीके से ही मुझे करना है। तो इसे कर लेना है कद्दूकस। तो इसे कद्दूकस करने के बाद फिर हम जो मिला के रखे हैं सारी चीज़ें, तो यहाँ पर मैंने अच्छे से घिस लिया इसे, तो इसी में हम डाल देते हैं। फिर इसे बिना पानी के ही गूंथना है, जैसे हमने कल गूंथा था बिना पानी का, उसी तरीके से हमें गूंथ लेते हैं अच्छे से। अब पापा जी लेके आए तो हमें बनाना ही पड़ रहा है, तो हमने कहा कि ज़्यादा नहीं बनाएंगे, आधे का सब्जी बना देंगे और आधे का हम पकौड़े बना देंगे, ताकि कल के जैसे खाने में। कल मैं बनाई थी तो सारे ही बच्चे बोल रहे थे कि पकौड़े तो नहीं दिए खाने के लिए, सब्जी दे रही हो। तो हम कहे चलो कभी और पकौड़े बना देंगे, लेकिन बच्चे लोग का भी मन था ही, और जब पापा जी लेके आ गए थे तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं आज फिर बना देते हैं। और तो मैंने उसी तरीके से एकदम सेम सारी जो करना है वही चीज़ें मैंने फॉलो की है, सारी सेम सेम। तो यहाँ पे मैं पकोड़े छान रही हूँ, और उसमें क्या है कि पकोड़े छान के सब्ज़ी बना दिए थे, तो अच्छे से इसे चला के और फिर इसे मैं निकाल लूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से लाल हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसे मैंने ज़्यादा काला नहीं किया है, लाल ही किया है, जैसे हमारे पकोड़े रहते हैं उसी तरीके से सेम मैंने बनाया। और इसे धीमी आँच पर ही बनाया ताकि अच्छे से ये अंदर तक हो जाए, नहीं तो पता लगा कि मतलब सूरन है ना बाहर की तरफ हो गया लाल और अंदर की तरफ कच्चा ही रह जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं सूरन के पकौड़े हमारे बन के रेडी हो गए। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब मुझे तो मतलब मैंने सोचा था कि कभी और मैं पकौड़े शेयर करूँगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा जी को इतनी वो सब्ज़ी पसंद आ जाएगी कि वो दूसरे ही दिन लेके आ जाएंगे कि हाँ आज भी वैसे ही सब्ज़ी बनाओ और पराठा बनाओ। तो मैंने आधे का सब्ज़ी बनाया था, आधे का इसका पकौड़े बना दिया था। तो बच्चे लोग भी कह ही रहे थे कि वैसे तो पकौड़े दी नहीं खाने के लिए, लेकिन देखिए नसीब खान बोलते ना दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, वही ये हो ही गया। तो कभी आप लोग भी ट्राई करना, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। तो आधा तो सब्ज़ी बना दिए, आधे का पकौड़ी बना दिए। तो फ्रेंड्स कल हम कहीं जाएंगे, तो उसके लिए मैंने साड़ी निकाल लिया है। तो यहाँ पे मैं चूड़ी रखी हुई देख रही हूँ कि कौन सी चूड़ी मेरे साड़ी पर चल रही है। तो अभी से हम करके रखेंगे, तो फिर सुबह ही सुबह हमें उठ के जाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मम्मी कह रही बहुत भीड़ रहेगा, धूप आ रहा है वहाँ से, तो मम्मी कह रही बहुत तेज़ की धूप रहेगी, तो जितना जल्दी होगा उतना अच्छे से निकल जाना तो ठीक है। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी क्योंकि सावन है, और सावन में आप लोग जानते हैं भीड़ बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो वही मैंने साड़ी तो निकाल लिया है और चूड़ी निकाल रहे थे, तो मैं कहाँ जाऊँगी वो मैं कल आप लोग को खुद ही बताऊँगी, मैं खुद ही आपको लेके जाऊँगी वहाँ पर।
तो साड़ी मैंने जो निकाला है वो भी मैं कल ही दिखा दूंगी, वही पहनूंगी तो कल ही दिखा दूंगी। पता नहीं अभी अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो निकाल तो लिया मैंने, बच्चों को मैं भी दिखा दूंगी कि ये साड़ी मेरे को अच्छी भी लगेगी कि नहीं। और कोमल गई है मेहंदी लगाने, जो मेरी घर की लोग हैं मतलब जो मम्मी की भतीजी पे शादी हुई ना उनकी, तो उसी लिए वो गई है वहीं पे मेहंदी लगाने के लिए। तो साड़ी तो मैंने निकाल लिया है, मुझे पता नहीं क्यों कम जम रहा है, निकाल लिए हैं, बच्चे लोग को दिखा देंगे, फिर मैं आप लोगों को भी दिखा दूँगी कि मैं खाना वाना सब दिखा लिया, खाना खा के बस लेट गई है। फिर मैं थोड़ा सा आराम की हूँ, फिर अभी उठी हूँ, मैंने सोचा सबका कपड़ा बच्चे लोग का जो जो पहनना है वो सारी चीज़ें रख मतलब निकाल के रख दूँ, नहीं तो सुबह सुबह जाएंगे और बहुत भीड़ रहती है मेरी मंदिर में, तो सारी चीज़ें फ्री टाइम कर लेंगे तो फिर खाना पीना नहीं बना के जाएंगे, बस मैं पहले मंदिर से उठ के आ जाऊँगी फिर कुछ बनाएंगे। चलिए फिर छुट्टी उड़ी निकाल के रख देते हैं अभी से। यहाँ का फ्रेंड्स मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हुआ है, और यहाँ पे सारे लोग खेत में आ गए हैं घास निकालना है, तो सब ने भुट्टा बोया है, किसी ने रहर बोया है, किसी ने उड़द बोया है, तो सब इसीलिए खेत में इतने टाइम दिखाई दे रहे हैं। मम्मी पापा वहाँ पे हैं, बड़ी दीदी जी जा रही हैं। यहाँ पे एक हफ्ता हो गया था चद्दर लगाए, तो मैंने सोचा इसे चेंज कर लेते हैं क्योंकि बच्चे सोते हैं उस पर, तो फिर आके बाहर से बैठ के टीवी भी देखते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चद्दर चेंज, मेरी आदत है मैं एक हफ्ते में या मतलब 10 दिन में ऐसे मैं चद्दर चेंज करते ही रहती हूँ। और कल कोई गेस्ट भी आने वाला है हमारे यहाँ, तो मैं आप लोग को भी मिला दूँगी उससे, और कल हमें मंदिर भी जाना है, तो मैंने सोचा कि आज ही ये चेंज कर लेते हैं, फिर कल कहाँ चेंज करने का टाइम मिलेगा, तो इसीलिए इतने ही टाइम चेंज कर लेंगे और फिर झाड़ू और सारा चीज़ कर लेंगे। मैं शाम के टाइम भी झाड़ू और पोछा लगा देती हूँ एक बार का, ताकि घर हमारा क्लीन रहे। तो यहाँ पे मैंने एक पे बेड पे चढ़ा दिया है चद्दर, लेकिन अब दूसरे पर कभी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे लोग के स्कूल बैग भी मैंने धो के सुखा दिया था, तो वही लेके आ गए थे नीचे, तो स्कूल बैग क्या है कि ले जाते गंदा हो जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ धो दूँ, बच्चे तो ऐसे यूज ही करते रहते हैं, उन लोग का बच्चे तो वो लोग दे ही ना, लेकिन मैं ही अपना धो देती हूँ लेके। तो फ्रेंड्स यहाँ का चद्दर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ का भी चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे गोली सोई हुई है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। तो आप लोग सोच रहे हैं कि शाम का खाना क्यों नहीं दिखा रही, तो ऐसा है दोपहर का पराठा और सब्ज़ी है, और फिर ये जाएंगे पार्टी में तो हम लोग के लिए हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज खाना नहीं बनाएंगे फ्री टाइम। और दोपहर का चावल भी है तो वो कोमल बना दी, जिसका चावल बचा है तो उसको फ्राई कर देंगे तो हो जाएगा, तो इसलिए मैंने खाना इतने टाइम का आप लोग से शेयर नहीं किया है क्योंकि खाना मैंने बनाया ही नहीं है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ। तो यहाँ पर टीवी चल रहा है, तो यहाँ पे टीवी चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलिए, और मैं आई थी जब नीचे तो मेरी लाइट बिगड़ गई थी, मतलब मेरी नहीं पूरे गांव की लाइट बिगड़ गई थी, अब भी जाके लाइट बनी है, तब हमने टंकी भी भरा है क्योंकि यहाँ पे पानी की ज़्यादा दिक्कत है, तो पानी मैंने भर लिया है। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पेंट करेंगे, गुड नाइट।